तीन मिस्टेक्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं. सबसे पहली मिस्टेक करना इज कि इन्वेस्टमेंट को डिले कर देना. हम राह देखते रहते हैं कि मेरी सैलरी ना 1 लाख रुपए पहुंचेगी तब मैं शुरू करूंगी. 20,000 है तो भी शुरुआत कर लो, पर शुरू तो करो. अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो जो टाइम चला गया है वो वापस नहीं आएगा. एंड व्हाट वी मिस आउट, पर्सनल फाइनेंस के टर्म्स में उसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग. वो कुछ नहीं है, हिंदी में मैं बोलूं तो बूंद बूंद सागर बनेगा वैसा है. तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, 500 रुपए से चालू करिए, 1,000 रुपए महीने से चालू करिए, उसको लंबे टाइम तक चलने दीजिए और इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा ना, आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे. तो एक मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं, हम राह देखते हैं और हम डिले शुरुआत ही देर से करते हैं. जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेटर. दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम अपना सारा पैसा एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि शायद हमको इतनी नॉलेज नहीं है या हम बहुत रिस्क अवर्स हैं कि नहीं नहीं मुझे किसी ने बोला कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है तो मुझे वहां तो पैसे डालने ही नहीं है, मेरे सारे पैसे मैं सिर्फ FD में डालूंगी. पर हमें ये रियलाइज करना है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरा पैसा हर एक डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. उसके लिए क्यों जरूरी है इस कि बिकॉज मेरी रिस्क एपेटाइट एज एन इंडिविजुअल अलग है और मुझे पूरा पैसा एक ही बार में नहीं चाहिएगा कभी भी. थोड़ा पैसा 5 साल के बाद चाहिए, थोड़ा पैसा 2 साल के अंदर अंदर चाहिए. तो लुकिंग एट द टाइम पीरियड भी आपको सेफ है तो FD में पैसा डालिए, 2 साल के अंदर है. अगर लॉन्गर टर्म है 5 साल 10 साल तो आप अच्छे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स जहां पे आपको थोड़ा रिटर्न भी बेटर मिल सके उसमें यू कैन इन्वेस्ट. तो डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है. थोड़ा बहुत गोल्ड में भी डालिए जो सबकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट होती है, राइट? सो यू शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट पुट ऑल योर मनी ओनली इन अ सिंगल एसेट क्लास. और तीसरी मिस्टेक, हम डिसिप्लिन भूल जाते हैं. तो सिंपल एग्जाम्पल इसका है कि अगर मुझे मेरी हेल्थ इंप्रूव करनी है, ठीक है, तो मैंने मेरे कैलेंडर में डाल के रखा है कि 6 to 7 मैं वॉक करूंगी ही करूंगी. माई कैलेंडर इज ब्लॉक्ड, वो टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा. सिमिलरली आपको आपके पैसे के लिए वो डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा. इसका हैक क्या है कि राह मत देखिए कि एवरी मंथ मैं जाके चेक दूंगी फिर पैसा इन्वेस्ट होगा. आजकल तो कितना सिंपल है, आप एक फिक्स्ड डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटो डेबिट लगा दीजिए आपके बैंक अकाउंट से. जब वो डिसिप्लिन आ जाएगा ना कि 1 तारीख को सैलरी आ रही है और 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट निकल जा रही है, तो ऑटोमेटिकली एक हैबिट पड़ जाएगी कि 5 तारीख को इतने पैसे तो निकल ही जाएंगे. राह मत देखिए कि मैं 20th को ऑटो डेबिट लगाऊंगी, 20th तक पैसे खर्च हो जाएंगे. आपने बीच में बड़े सारे आइडियाज दिए कि पैसे को एक ही जगह मत लगाइए, अलग अलग जगह लगाइए. उसमें आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात की, उसके बारे में कुछ नया ताजा जो शायद हमें नहीं पता, जरा बताइए. सो गोल्ड इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट महिला का तो बहुत फेवरेट इन्वेस्टमेंट है. बट अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनली जैसे गोल्ड बाय किया जाता है कि हम ज्वेलरी फॉर्म में बाय करते हैं या गोल्ड कॉइन और बार्स फॉर्म में बाय करते हैं, आजकल गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF, ये दो इन्वेस्टमेंट्स को हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड करके बुलाते हैं. क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है पैसा और जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो और आप उसको सेल करें तो रिटर्न में भी आपको पैसा मिलेगा, गोल्ड नहीं मिलेगा. बट इसमें एडवांटेजेस कि जो हमें ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और ये सब के वजह से नुकसान होता है, स्टोरेज फैसिलिटी के लिए लॉकर लेना पड़ता है, वो अगर कोई चुरा ले जाए तो वो हमको एक परेशानी होती है, राइट? ये सब फिजिकल गोल्ड में ये सब बहुत तकलीफें हैं जो फाइनेंशियल गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि आपको उसको स्टोर करना नहीं है, राइट? सो गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड, ओनली थिंग इज कि आपको गोल्ड ETF में एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है और मिनिमम आप 1 ग्राम गोल्ड बाय कर सकते हैं. Whereas गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है और मिनिमम आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. लवली, क्या बात है. और गोल्ड में और एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, इज कॉल्ड SGB और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स.
ये आरबीआई की गारंटी के साथ आता है, ये आपको एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2.5% देता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, जो कोई भी गोल्ड का प्रोडक्ट नहीं देता। उसका लॉक इन है 5 साल का, मेच्योरिटी है 8 साल की, तो 8 साल के बाद जो भी प्राइस होगा गोल्ड का उस पे आपको पैसा वापस मिलेगा और वो पैसा आपके हाथ में कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। इट इज नॉट ओपन ऑल द टाइम, बट उसके ट्रांचेस निकलते हैं हर महीने या हर अल्टरनेट महीने। आरबीआई की वेबसाइट पे वो इजीली पब्लिश होते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत एड और आती है, तो आप उसका ध्यान रख के अगर लॉन्ग टर्म 8 साल से ऊपर के लिए आपको इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, तो एक तो आपको पैसा पूरा टैक्स फ्री होगा और दूसरा आपको 2.5% पर ईयर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट है कि मैं इतना ही करूं या 1 ग्राम इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट? मतलब यानी 40-45 हजार अगर आपके पास है तो उसे डालकर आप 8 साल के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कुबेर का खजाना बनकर आपको वापस मिलेगा। करेक्ट, क्या बात, वेरी नाइस। अच्छा, गोल्ड की अगर बात करें तो ये हम खरीदते थे ये सोच करके एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बुरे वक्त में हमारे काम आएगा, यू नो, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर में बीमारी के लिए, या कोई भी, यू नो, ये देखा जाए कि गोल्ड सबसे पहला ऑप्शन होता था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो भी लिसनर्स हमें सुन रही है उनके लिए ये सिर्फ यही इमरजेंसी फंड ना हो, उन्हें और भी दूसरे इमरजेंसी फंड्स के बारे में पता चले, प्लीज हेल्प कीजिए। सो आपने करेक्ट एकदम कहा कि हम गोल्ड ऐसे सोचते हैं कि वो इमरजेंसी के लिए, बट फ्रॉम एन इंडियन साइकोलॉजी मैं आपको बताती हूँ कि लोग ना, मैंने कितने देखे हैं, लोन ले लेंगे पर खुद का गोल्ड नहीं बेचेंगे। वो हमारी साइकोलॉजी है। हम बोलते भले हैं कि हम गोल्ड को एज हमारी इमरजेंसी फंड रखेंगे, बट हम उस गोल्ड को कभी नहीं बेचेंगे। सो दैट इज वन। तो उसको वैसे भी इमरजेंसी के हिसाब से काउंट मत ही कीजिए। वॉट वी वुड सजेस्ट इज आपके महीने का जो भी खर्चा है, समझो मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपए है महीने का, 6 महीने, 3 से 6 महीने तक का वो पैसा अगर 50,000 रुपीज है, 6 महीने के हिसाब से 3 लाख रुपए बनते हैं, वो 3 लाख रुपए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखिए। इट इज एज सिंपल एज आप उसको बैंक अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखिए। उस पैसे का फोकस होना चाहिए लिक्विडिटी, बिकॉज इमरजेंसी में पैसा कभी भी हमें जल्दी से विड्रॉ करना है, तो उस पे रिटर्न कमाने की लालच रखनी ही नहीं चाहिए। एकदम सिंपल, फोकस कीजिए लिक्विडिटी पे और फोकस कीजिए कि मेरा ये पैसा सेफ रहे, रिस्क ना हो। तो इस वजह से उसको सेविंग्स बैंक में, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके बांट दीजिए। पूरा पैसा बैंक अकाउंट में सेफ रखने की जरूरत नहीं। नो, आई अग्री। मैंने भी जैसे मेरे बेटे की फीस के लिए मैंने एक लिक्विड फंड रखा है कि भाई मुझे वो तो मैं नहीं रोक सकती ना, बाकी सारी चीजें हो जाए तो अगर नहीं हुआ तो दैट आई हैव, दैट इन्वेस्टमेंट आई हैव, जिस वजह से मैं फटाफट निकाल के अपना गाड़ी आगे चला सकती हूँ। वंडरफुल। सो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जिससे सभी औरतों को बड़ा डर लगता है, पति संभालेगा, बेटा संभालेगा, तो मुझे तो कुछ पता नहीं। हालांकि पूरा घर आप संभाल रही हैं, उनको आप संभाल रही हैं, लेकिन आपके कागज पत्तर वो संभाल रहे हैं, क्यों? सो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हर औरत, चाहे उसकी एज कोई भी क्यों ना हो, जरूर पता होना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे इन 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। पहली डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक की डिटेल्स। चाहे आप उस अकाउंट में सिंगल होल्डर हो, जॉइंट होल्डर हो, या आपका कोई नाम ही नहीं है वो अकाउंट में, फिर भी आपके फैमिली के कितने बैंक अकाउंट्स है उनकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई इमरजेंसी आ गई तो वो अकाउंट में पैसा वैसे ही पड़ा है, वो इमरजेंसी में आपको वो पैसा यूज हो सकता था, पर वो कब होगा? जब आपको पता होगा कि वो अकाउंट है, राइट? तो एक बैंक डिटेल्स के बारे में जानकारी होना, और सिर्फ खुद के बैंक डिटेल्स नहीं, एटलीस्ट अपने हस्बैंड के बैंक डिटेल्स और अपनी फैमिली के अकाउंट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज नॉमिनी। कितने बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें नॉमिनेशंस ही नहीं है? तो नॉमिनी होता है तो क्या होता है कि आज अगर मेरे हस्बैंड के अकाउंट में मैं नॉमिनी हूं, एंड इफ समथिंग हैपेंस वो पैसा मैं विड्रॉ कर सकती हूँ बिकॉज मैं नॉमिनी हूं। अगर आज वहां पे नॉमिनेशन नहीं भरा होता तो वो पैसा आएगा मेरे पास,
बट एक बहुत लेंथी प्रोसेस है उस चीज का. उसे अच्छा मेक श्योर आपके हर एक इन्वेस्टमेंट में, बैंक अकाउंट में, प्रॉपर्टी पेपर्स में, हर जगह पर नॉमिनेशन जरूर होना चाहिए. तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में नॉमिनी हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं नॉमिनी हूं. वो कब होगा? जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ जुट करोगे और पता चलेगा कि हाँ नॉमिनेशन ये इन्वेस्टमेंट्स में इनके इनके नाम पे है और कहीं कहीं पे तो मेरे भी नाम पे है. तीसरी डॉक्यूमेंट इज लोन पेपर्स. स्पेशली अगर आप बिजनेस फैमिलीज से हैं जहां पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना काफी कॉमन होता है, राइट? तो अगर आज कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ हो गया तो आपको पता तो होना चाहिए कि कितने लोन्स हैं. समझो आपका एक होम लोन भी है, पर्सनल लोन या होम लोन भी है, तो मेन एम है कि सारे लोन्स मिलके कितनी महीने की ईएमआई जा रही है, ताकि आपको पता चले कि चलो महीने का 50,000 रुपया तो मुझे साइड में रखना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी तो ईएमआई देनी है, क्योंकि बिजनेस लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है. तो लोन पेपर्स भी आपके पास होने या एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कितना लोन कहाँ से लिया गया है और उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है. फोर्थ डॉक्यूमेंट इज इंश्योरेंस पेपर्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए. अगर आप ये पेपर्स एक बार देखेंगे तो आपको पहली चीज पता चलेगी इज कि एक उसमें नॉमिनेशन है कि नहीं, और दूसरा वो इंश्योरेंस सफिशिएंट है कि नहीं. समझो एक इंश्योरेंस पॉलिसी पड़ी है 1,00,000 रुपए की है. आज जो अर्निंग मेंबर था उसी को कुछ हो गया, 1,00,000 रुपए से आपका घर कितनी महीने चलेगा? 1 महीने 2 महीने, उससे ज्यादा तो नहीं चलने वाला. तो जब आप ये इंश्योरेंस पेपर्स देखोगे तब आपको पता चलेगा और आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे कि ये सफिशिएंट है या इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा महीने का खर्चा ही 50,000 रुपए है तो मैं इसको कैसे चलाऊंगी आगे. तो वो इंश्योरेंस की भी सारी जानकारी पेपर वर्क में आपके पास होनी चाहिए. और फिफ्थ इज जितने भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, डीमैट अकाउंट में पड़ा है पैसा, ट्रेडिंग अकाउंट है, जहां पे भी प्रॉपर्टी ली गई है, सब एटलीस्ट आपको एक एक्सेल शीट में, या अगर एक्सेल शीट भी आपको कन्वीनियंट नहीं लगती, एक फाइल बना के, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू नो करके एक फाइल बना के घर पे रखें, ताकि इन योर एब्सेंस इफ यू आर द ओनली वन जो ये सब चीज का ख्याल रखता है, पीछे वाले को पता तो हो कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, तब वो पैसे निकाले जाएंगे ना. सो दीज फाइव डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है. हाँ, तो बस हफ्ता, एक हफ्ता पकड़ लो, मंडे टू फ्राइडे, एक दिन एक एक के बारे में कंफर्म करके सैटरडे संडे कंपाइल करके मामला खत्म कर लीजिए. बहुत बढ़िया. तो आपका एक हफ्ता देना है एंड यू आर सॉर्टेड. You are sorted. Your finance is sorted. Lovely. Thank you so much, Rachna. Thank you so thank much. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Thank you so much. 92.7